नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध शस्त्रों को खरीदने व बेचने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्वाट टीम व धामपुर पुलिस ने ग्राम मिर्जापुर पल्लावाला में एक अभियुक्त के घर छापा मारते हुए अवैध शस्त्र के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि धामपुर थाना प्रभारी अरुण कुमार, उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार, अजय कुमार मिश्रा, आरक्षी नीरज सहदेव, चालक पंकज शर्मा व स्वाट टीम प्रभारी मनोज परमार, उप निरीक्षक संजय कुमार दिग्विजय, आरक्षी मोनू, रणजीत, सुनीत, रईस व खालिद ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम मिर्जापुर पल्लावाला निवासी करीमुद्दीन पुत्र अलीमुद्दीन के घर छापा मारा। छापे के दौरान टीम को घर में बने तहखाने में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते हुए करीमुद्दीन को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से 3 तमंचे 315 बोर, 1 तमंचा 12 बोर, 3 पुराने तमंचे तथा भारी मात्रा में अर्धबने तमंचे तथा शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त करीमुद्दीन ने बताया कि वह फारूक के साथ मिलकर करीब 10 वर्षों से इस काम में लगा है, जिससे कम समय में अत्यधिक पैसे मिल जाते हैं। पुलिस ने अभियुक्त का चालान कर जेल भेज दिया। बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। स्वाट टीम एवं धामपुर पुलिस द्वारा शस्त्र फैक्ट्री बनाने का गिरोह पकड़ा गया है। इसमें करीमुद्दीन नाम का एक व्यक्ति मिर्जापुर पल्ली वाला गांव का रहने वाला है। बेसमेंट में लंबे समय से लगभग 10 वर्षों से तमंचा बनाने और बेचने का कार्य करता था। अभी तक ये पकड़ा नहीं गया था। मुखबिरी की सूचना के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। इनके कब्जे से 4 तमंचे और भारी मात्रा में ऊपर बरामद हुई है। ये लगातार अपराधियों को शस्त्र बेचने की कार्रवाई ये करते थे। 4,000, 5,000, 10,000 जैसा ग्राहक लोग डिमांड जैसे थे उसी अनुसार सप्लाई करते थे। उनकी गिरफ्तारी से उम्मीद है कि अपराध एवं अपराधी पर असर पड़ेगा। गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।